नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग्स 24। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इस गाड़ी का एक्सपीरियंस चलाने के बाद कि क्या कैसा है। ये दोस्तों ये अपाची 180 RTR जो कि करीब 8000 से ऊपर किलोमीटर चल चुका है। तो इसका अब आपको बताने वाले कि इसका कितना माइलेज रहता है, कैसा परफॉर्मेंस है, क्या कैसे है। तो इसको आपको बताने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा आपको हम यहाँ पर मीटर पर दिखा देते हैं कि कितना किलोमीटर ये चल गया है। उसके बाद आपको गाड़ी का ओवरव्यू बता देंगे कि क्या कैसे है, उसके बाद डिटेल्स में जानकारी देंगे कि आखिरकार ये कितना चलता है, सबसे पहले कि माइलेज कितना देता है और किस तरह का इसका परफॉर्मेंस है। तो आइए और दिखाते हैं आपको हम कि इसका मीटर पर कितना है। तो यहाँ हम अभी किक ऑन करते हैं इसको और देखिए यहाँ कितना है इसका, 8687 किलोमीटर, 8687 किलोमीटर ये चल चुका है। और इसका दोस्तों ये फ्यूल हमने अभी पूरा एम्प्टी किया हुआ था, यानी खाली किया हुआ था इसका माइलेज टेस्ट करने के लिए, कि जो है वो मेजर करके हमने इसमें दिया हुआ था और इसका पूरा का पूरा जीरो किया हुआ है, यानी कि पूरा खत्म किया है तेल, और उसके बाद टेस्ट किया कि आखिरकार कितना गया माइलेज, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और इधर ये कुछ इंडिकेटर्स है जो कि आप देख पा रहे हैं, फ्यूल का है और ये सर्विस का है, ये मतलब इंजन के लिए है कोई गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो, और ये ABS का है। तो ये सब तो पुराना ही है तो देख लिए हैं। तो गाड़ी में आगे ABS है और पीछे डिस्क ब्रेक है जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आगे में ABS है। साथ ही साथ दोस्तों ये इसमें एक कॉम्बी ब्रेक है, यानी कि अगर आप पीछे का ब्रेक लेंगे तो भी आगे का ब्रेक लगेगा ही लगेगा। वैसे अब ये हर एक नया गाड़ी में अब ये नॉर्म कर ही दिया गया है जो कि आता ही आता है। इसके साथ ही इसका दोस्तों इधर आप देख पा रहे हैं, यानी कि पहले वाला जो सिस्टम था वो सब थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है इसमें, और इधर ये सिर्फ डिस्क ब्रेक रह गया है। और इसमें हालांकि ABS नहीं है पीछे में, इसे ऊपर वाले वर्जन में ABS पीछे भी रहता है बट इसमें नहीं है। जैसा कि FI इंजन है तो इसमें आपको जो है सिस्टम सब हट गया हुआ है, यानी ऑन ऑफ करने के लिए एक बढ़िया सिस्टम भी है, जिससे कि आपको एक मतलब ये नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अगर पहले अगर जैसे ऑन अगर रह जाता था गाड़ी और साइड स्टैंड पर लगाते थे तो वो ओवरफ्लो कर देता था गाड़ी, बट इसमें अब नहीं होता है जो कि एक बेहतर है। हालांकि उसके साथ साथ दोस्तों इसमें सेंसर इसमें नहीं दिया हुआ है साइड स्टैंड में, जैसे कि गाड़ी में कितना में दिया रहता है अभी फिलहाल नया में, बट इस गाड़ी में नहीं है। अब नया जो आता होगा शायद उसमें होता होगा, क्योंकि ये पुराना गाड़ी है तो इसमें अभी नहीं है। इसमें जैसे कि सेंसर वगैरह की अगर कितना गाड़ी में आता है कि अगर साइड स्टैंड लगा रहेगा तो गाड़ी मतलब वर्क नहीं करेगा, ऑफ हो जाता है कितना गाड़ी में अब आता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे तो इधर कुछ है नहीं, यहाँ पे आगे आ गया है यहाँ पे अभी आयल कूल सिस्टम जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये 160 में नहीं है, सिर्फ 180 में है, और इससे ऊपर वाले जो CC के इंजन के गाड़ी है उसमें आते हैं। सबसे पहले माइलेज का बात करते हैं दोस्तों कि माइलेज इसका कितना देता है, क्योंकि माइलेज 180 के हिसाब से कितना देगा ज़्यादातर रहता है जानने का। तो इसका हम अलग अलग तरह से टेस्ट किए हैं, जैसा कि अभी आपको बताए थे कि इसमें हम 1 लीटर यानी तेल दिए हुए थे और पूरा मतलब खाली करने के बाद, और उसके बाद पूरा खाली किए हुए यानी कि पूरा फ्यूल को एम्प्टी कर दिए, तब देखेंगे कितना चलता है। उसका दोस्तों इसका अलग अलग जगह पर अलग अलग माइलेज आता है, इसका हम करीब करीब 2-3 बार टेस्ट किए हुए हैं सेम इसी वे में, बट अलग अलग मतलब माइलेज आया हुआ है। तो आपको बता दें दोस्तों कि इसमें जो पहला बार हमने चेक किया तो हाईवे में जब किया था तो करीब करीब ये 46-47 किलोमीटर चल गया हुआ था, तो यानी कि 50 तक जाता भी है, 50 तक भी जाता है, बट हमको अभी फिलहाल अभी जो टेस्ट किए थे तो उसमें करीब करीब 48 किलोमीटर चला था। उसका दोस्तों अगर आप इसको मार्केट में अगर यूज़ करते हैं तो 42-44 किलोमीटर के करीब करीब रहता है, हर बार अलग अलग आ सकता है। तो मतलब अगर मार्केट में आप चलाते हैं तो 40-45 के बीच में आपको आसानी से माइलेज देता है, और अगर हाईवे पर चलाते हैं, यानी कि कम्बिनेशन करके हमने चलाया था, केवल हाईवे पर स्पेशल लॉन्ग रूट में नहीं गए थे तो इसलिए बहुत कम आता है। अगर लॉन्ग रूट में आप चलाएगा तो ज़्यादा बढ़ सकता है, 50 पर थोड़ा बहुत ऊपर भी चला जाएगा, बट अगर मार्केट में चलाइएगा और 40-45 आराम से दे देगा, उसमें कोई दर्द नहीं है, 45 तक आराम से देगा, 40 से तो खैर प्लस ही रहने वाला है, और अगर हाईवे पर चलाइएगा तो 45-50 एवरेज दे देता है, उसे बेहतर भी देता है अगर आप चाहें तो बढ़िया ढंग से। बाकी डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से चला रहे हैं, थोड़ा बहुत उस पर भी डिपेंड करेगा दोस्तों। इसके बाद इसका अगर सर्विसिंग का बात करें तो इसमें मोबिल चेंज करना है, ज़्यादा इसमें नहीं है कि अगर सर्विस का चार्ज भी ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ा मेंटेनेंस कम लगता है अदर की अपेक्षा, अदर जो अगर इस रेट के गाड़ी जो है इस रेंज के 180 का वो उस के हिसाब से इसका बहुत ही कम मेंटेनेंस लगता है। सिंपल सा मोबिल है, मोबिल चेंज कर सकते हैं, पर आपको मोबिल चेंज कर देना चाहिए, इसका मोबिल का भी कॉस्टिंग कम ही आता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इसमें चाहें तो मोबिल का जो फिल्टर होता है वो हर बार अगर चेंज कर दे, क्योंकि ज़्यादा का रहता नहीं है, वो करीब करीब 50 रुपये के आसपास आता है। हो सकता है हर जगह अलग अलग पर अलग अलग दाम है, बट यहाँ हम जहाँ यूज़ करते हैं और जहाँ सर्विसिंग करवाते हैं वहाँ 45 रुपये का आता है, तो आपको हो सकता है कहीं 50 भी दे और कहीं 40 भी दे सके, तो इसका अलग अलग हो सकता है। और मोबिल फिल्टर चेंज करने से बेहतर रहता है, साथ ही आपको आयल जो कूलिंग के लिए तो वो चेंज नहीं करना पड़ता है बार बार, और एकदम बढ़िया चलते रहता है। अगर दोस्तों बात करें इसका स्पीडिंग का, तो स्पीडिंग बहुत ही बढ़िया है इसमें, और साथ ही कॉन्स्टेंट गाड़ी का रहता है, मतलब हाईवे पर स्टेबल रहता है। दोस्तों इसका जो टायर वगैरह सब भी है वो 160 वाला ही है, सेम टायर लगता है जो कि 160 में लगता है वही इसमें भी लग जाता है, तो
उतना आपको भी अंतर है नहीं इसका। दोस्तों आपको एक बार इसका हम एक्सलेट करके आवाज़ इसका गाड़ी का आपको दिखा दें कि किस तरह का आवाज़ आता है साउंड अभी भी इतना किलोमीटर चलने के बाद। आवाज़ थोड़ा लग जा रहा है अभी, हालांकि सर्विसिंग इसका बाकी हुआ है, इसको अभी सर्विस एक बार करवाना है तो थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम भी आया हुआ है गाड़ी में, तो उसको थोड़ा बहुत खत्म करना पड़ेगा उसको। अगर इसकी सर्विस कॉस्टिंग की बात करें तो इसमें करीब करीब हमको 1500-1700 के आसपास लग जाता है, 3000 किलोमीटर पर ही हम करवाते हैं। इसमें जो है मोबिल चूंकि इसमें पावर वाला लगता है तो उसके वजह से थोड़ा दाम बढ़ जाता है, बट 1500 पर आ जाता है, जो कि इस 180 के रेंज में जो भी आता है वो उसमें इससे ज़्यादा लग जाता है, बट इसका थोड़ा कम है, तो हम करीब करीब 1500-1700 के आसपास आता है। हो सकता है आपका सर्विस अगर कुछ खराबी कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है गाड़ी, तो उसको ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, संभव है कुछ ऊपर जाए, बट ऑन एवरेज अगर बात करें तो 1500-1700 रुपये में इसका सर्विसिंग पूरा हो जाता है, जिसमें हम मोबिल फिल्टर भी बदल देते हैं उसी में, और मोबिल बदल जाता है बाकी पूरा सर्विसिंग होता है। और फिलहाल अभी थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है तो इसको अब ठीक करवाएंगे, तो देखते हैं इस पर कितना आता है उसका। दोस्तों अगर आपको इस गाड़ी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।